देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन बहराइच में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज भी भीड़ ने कई घरों को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। तो आज भी यहां पर उपद्रव जारी है। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी धरपकड़ हो रही है। कई गाड़ियों को आज भी आग के हवाले किया गया। भीड़ ने आज भी कई घरों को निशाना बनाया। तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं और ये बताने के लिए काफी कि इस वक्त बहराइच में किस तरह के हालात हैं। तो देखिये, बहराइच में उपद्रवियों ने कई घरों को आग लगा दी। लोगों की आंखों के सामने उनका आशियाना खाक हो गया। हिंसा के पीड़ितों ने अपना दर्द एबीपी न्यूज से साझा किया है। आपको सुनवाते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। मैसी के महाराजगंज में आज जिस जगह पर आगजनी हुई है, उसके बाद जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं उनको पुलिस यहां देखिए गाड़ियों में ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। पुलिस इनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग को कहां ले जा रही है पुलिस? ये देखिए आप, ये तमाम इस पूरी गाड़ी में जो लोग देखेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनके ये घर थे और कई जगहों पर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। उसके बाद इन लोग को यहाँ से क्या हुआ आप लोग के यहाँ? क्या हुआ है आप लोग? क्या आग लग गई है? क्या गाँव घर कहा? देखिए तो तमाम जो लोग हैं ये दूसरी एक गाड़ी दिखी, ये दूसरी गाड़ी देखिए, इसमें भी पुलिस इन लोगों को यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह ले जा रही है। और मैं एक बार घरों की तरफ ले चलूंगा, जो तस्वीरें हैं घरों की, जो तस्वीरें हैं उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन घरों में ये लोग रहते थे और इन जगहों को जलाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये लोगों की जलाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गाड़ियाँ जो हैं ये जला दी गई हैं। ये जो तमाम जो टू व्हीलर्स थी यहाँ पर रखी हुई, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते थे उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो जलाई गई हैं। उनके घरों में आगजनी जो है वो की गई है। और उसके बाद फिर ये जगह से जो इसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर आई और वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंदर जो है पुलिस जो है आग बुझाने की कोशिश, अंदर की तरफ में पुलिस व जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अंदर की जा रही है। इन अलग अलग जगहों पर, इन अलग अलग घरों में लगभग 8 से 10 ऐसे घर हैं जो आगजनी का शिकार हुए, जिसके बाद पुलिस ने इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की है। यहाँ से ले जाने का जो इंतजाम है, इनका जो प्रबंध है वो किया है। आप एक घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरे घर से देखिए अभी भी जो धुएं का जो गुबार है वो कहीं ना कहीं इस घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ में ये ठेला आप देखेंगे, इसको जो है गिराया गया है। यहाँ देखिए जो भेड़ बकरियाँ हैं पुलिस उनको निकाल करके अंदर से ले आ रही है। ये बकरियाँ जो हैं वो अंदर की तरफ में पड़ी हुई थी, पुलिस पूरी एक एक चीज़ को अंदर से वो कर रही है। लोगों को, इंसानों को पहले रेस्क्यू किया गया, इनके घरों को जो है जलाया गया था और फिर उसके बाद जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य करने की कोशिश है। ये देखिए जो तख्त है वो धू धू करके पूरी तरीके से जल गया है। ये फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये महाराजगंज मार्केट जो है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पहले की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा जो इनका घर है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।